फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों यहाँ हम जानते हैं कि भाई जेनरिक मेडिसिन बहुत अच्छी होती हैं, फायदेमंद होती हैं, बजट फ्रेंडली होती हैं और मैं भी कई बार रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं तो आप ले लें। लेकिन अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है दोस्तों, इस स्टडी ने जेनरिक मेडिसिन को बहुत ज़्यादा सच सामने ला दिया है लोगों के सामने कि आपको जेनरिक मेडिसिन यूज़ करना है या नहीं करना। इसी स्टडी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा कोई भी कमेंट करने से पहले, और अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं फट से बता देता हूँ क्या होता है कि भाई देखो, जो भी दवा है जो आपके मूल नाम से मिल रही है, भाई पैरास्टामोल, लिबोसिट्रिजिन, तो वो जेनरिक कहलाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो सप्लाई होती है वो उसमें ब्रांडिंग नहीं होती है। जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखते हैं बाहर के मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, जिन पर कोई नाम होता है, ब्रांड नेम होता है, कंपनियाँ बना रही हैं, अच्छी अच्छी पैकेजिंग होती है, उन्हें बोलते हैं क्या, ब्रांडेड मेडिसिन। तो जो भी डॉक्टर्स आपको जेनरिक लिखने का बोलते हैं, क्योंकि देखो उसमें कॉस्ट कटिंग हो जाता है ब्रांडिंग का, तो वो सस्ती हो जाती हैं, कहीं ना कहीं इनकी क्वालिटी में भी थोड़ा सा फर्क तो रहता है, इसकी क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी चेक नहीं हो पाती है, और ये प्रूव किया है इस स्टडी ने। एक्चुअल में दोस्तों एक स्टडी हुई दोस्तों पीजीआई चंडीगढ़ में हुई है, और इस स्टडी के मुताबिक दोस्तों एक जनरल भी आता है दोस्तों, जो लंग्स की डिजीज जो भी होती हैं, हर एक बीमारी के लिए एक जनरल पब्लिश होता है जो डॉक्टर्स को दिया जाता है। तो जनरल दोस्तों म्यूकोसिस, माइकोसिस, उसमें एक बीमारी पे रिसर्च किया गया। एक लंग्स की एक बीमारी होती है हमारे फेफड़ों की, एस्पेरिगलस, इसमें इट्राकोनाजोल चलता है बेसिकली। तो इट्राकोनाजोल इन्होंने क्या किया कि भाई आधे पेशेंट को इन्होंने जेनरिक का दिया, आधे पेशेंट को इन्होंने ब्रांडेड दिया। तो जो ब्रांडेड इट्राकोनाजोल दिया गया था उन पेशेंट में से 73% पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया, और जहाँ जेनरिक चलाया वहाँ पर लगभग 29% लोगों ने ही रिस्पॉन्ड किया। तो लगभग उसमें रिस्पॉन्स, उसका जो एक्शन है वहाँ पे कम निकला। तो ये कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि भाई जेनरिक मेडिसिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, तभी तो 29% लोगों में रिस्पॉन्स आया। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों, कि आपको अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, बहुत बीमार हैं, तो आप जेनरिक पर ना जाएं। इनकी एफिकेसी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, नॉर्मल आपको इलाज कराना हो तो आप जेनरिक ले सकते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ गवर्नमेंट सप्लाई में भी आती हैं। आपने अक्सर सुना होगा जब भी कोई व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर जो पर्चे पर दवाइयाँ मिलती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं भाई ये कोई काम की नहीं है, आप तो अलग से ले लो, प्राइवेट दवाइयाँ लिखवा लो डॉक्टर से। कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, करती हैं लेकिन उतना नहीं करती, उतनी एक्यूरेट नहीं करती, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट को भी इस पर थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि जो जेनरिक दवाइयाँ आ रही गवर्नमेंट सप्लाई की, जो इतने सारे मरीजों को दी जाएंगी, उन पर थोड़ी सी नज़र रखना चाहिए। हालांकि कुछ दवाइयाँ होती हैं 25% 10% दवाइयाँ वो ब्रांडेड भी रखती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये बहुत बड़ी स्टडी आई है दोस्तों, इसमें आपको पता चल गया होगा कि जेनरिक दवाइयाँ की जो क्वालिटी होती है कम होती है, पैसे बहुत कम होते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, मतलब कि पानी की तरह बिकती हैं, कम कीमत पे हैं। इमरजेंसी सीरियस कंडीशन में आप जेनरिक दवाइयों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वीडियो आपको अच्छा लगा, यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, इसी तरह की और वीडियोज़ मिलेंगी। और आप देख रहे थे ज्ञान ईयर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो देता है आपको दवाइयाँ बीमारियों की जनरल नॉलेज। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, सो जय हिंद, वंदे मातरम।